फ्रेंड्स नमस्कार, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो में दोस्तों मैं एक अलग ही कंटेंट लेके आया हूँ। अपकमिंग बॉलीवुड मूवीज़ बहुत सारी, 3-4 महीने में मूवीज़ आ रही है जिसकी डेट फिक्स हो गई है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रहती है कौन से डेट पर कौन सी आएगी, बहुत सारी डेट चेंज हो गई है। तो सभी मूवी की, अपकमिंग मूवीज़ की मैं परफेक्ट डेट लेके आया हूँ, थिएटर में रिलीज होगी या OTT पे आएगी, कौन से OTT पे आएगी, ये सब कंटेंट मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत 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 नई चीज़ें जानने को मिलेगी। तो बने रहिए मेरे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों 16 जून को आदि पुरुष आ रही है, मतलब प्रभास और ये मूवी है जो को राम बन रहे, बहुत ही बज है। ये तो सबको आपको पता ही होगा कि ये अभी 16 जून को थिएटर में रिलीज हो रही है। बात करते हैं दूसरी मूवी की, 16 जून पे दूसरी भी मूवी आ रही है रकुल प्रीत सिंह की, जो कि जियो सिनेमा में फ्री में आ रही है। वो एक, इसका नाम है आई लव यू। ये एक लव सस्पेंस थ्रिलर वाली मूवी है, रोमांटिक मूवी है। यस, उसके बाद में दोस्तों डेट है 23 जून, उसमें दो मूवी आ रही है। एक मूवी अमेजोन प्राइम पे आ रही है जो कि टीको वेट्स शेरू। दोस्तों ये मूवी कंगना रनौत के प्रोडक्शन की पहली मूवी है, उसका नाम था मणिकर्णिका, जो उसका प्रोडक्शन हाउस है उसकी ये मूवी है। उसके लीड एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर, ये नई एक्ट्रेस है। ये भी मूवी रोमांटिक टाइप की रहेगी, शानदार रोमांटिक ड्रामा है ये। और उसी दिन पे दोस्तों थिएटर में भी एक बहुत अवेटिंग मूवी आ रही है जिसका नाम है मैदान। दोस्तों अजय देवगन की ये मूवी है, 2021 में कंप्लीट हो गई थी, पर पोस्ट प्रोडक्शन कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, तो बाद में भी फाइनली ये 23 जून को रिलीज होने रहे। तो दोस्तों ये मूवी आपको पता ही होगा कि जो गोल्डन एरा आया था हमारा फुटबॉल का, जो कि 1952 से 1962 तक, उसी पे बेस्ड है। जो अजय देवगन का रोल है वो रोल कर रहे हैं सैयद अब्दुल रहीम का, तो ये भी मूवी शानदार रहने वाली है। और फिर 29 जून को दो मूवी आ रही है दोस्तों। एक मूवी थिएटर में आएगी जो कि सत्य प्रेम की कथा, वो सबको मैं पता है क्योंकि कार्तिक आर्यन और कियारा की ये मूवी है, बहुत शानदार रहने वाली है। और साथ में दूसरी लस्ट स्टोरी 2 भी आ रही है दोस्तों। लस्ट स्टोरी 1 वो बहुत बहुत ही फेमस रही थी, मतलब सभी को, मतलब हाँ एडल्ट एडल्ट मूवी थी, जो 4 चैप्टर है उसके। उस टाइम पे उसमें एक्ट्रेस थी कियारा, राधिका और भूमि पेडनेकर। अभी इसमें और अलग कैरेक्टर्स आए हैं जो कि काजोल है, तमन्ना भाटिया है, मृणाल है, नीना गुप्ता है वगैरह। ये नेटफ्लिक्स पे आ रही है, ये भी मुझे लगता है कि ये भी शानदार रहने वाली है। हाँ एडल्ट है तो सब नहीं देख सकते, पर जिसको जो कंटेंट हम जो भी बोले, पर लव स्टोरी जो 1 थी वो भी बहुत अच्छी रही, सबने बहुत प्रेस किया था। हर एक की अपनी चॉइस होती है ना, तो ये लव स्टोरी 2 भी क्योंकि नेटफ्लिक्स पे आई है फ्री में, जो कि जिसका सब्सक्रिप्शन हो तो फ्री में ही रहेगा, तो ये भी अच्छी रहने वाली है। पर दोस्तों ओवरऑल मैं बात करूँ तो आदि पुरुष सुपर डुपर हिट रहने वाली है, 500 करोड़ पूरे है वो अर्न कर लेगी। पर दोस्तों उसका ये 23 जून को मैदान रिलीज होगी ना, नुकसान जाएगा, क्योंकि यार एक ही हफ्ते में पूरी आदि पुरुष बहुत सारों ने नहीं देखी होगी, तो पहला प्रेफरेंस आदि पुरुष का ही रहेगा, तो मैदान को इसका लॉस होगा। तो मैदान बॉक्स ऑफिस पे इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, हाँ अच्छी लगेगी सबको पर इतना सक्सेसफुल बिजनेस नहीं कर पाएगी। और 29 जून को तो आ रही है, सबको पता है ब्लॉक बास्टर रहने वाली है सत्य प्रेम की कथा, ये भी एक हिस्ट्री अपने आप मार करेगी। और मुझे तो देखते कैसा लगता है। जुलाई में कौन सी मूवी आ रही है दोस्तों? जुलाई में सिर्फ 3 मूवी आ रही है, और क्योंकि मैं ये बात करूँ आपको पता चलेगा, अगस्त की मैं जब बात करूंगा तब आपको पता चलेगा मैं क्यों ये बोल रहा हूँ। 7 जुलाई को दोस्तों अमेजोन प्राइम पे ये विद्या बालन की मूवी आ रही है, बहुत टाइम के बाद विद्या बालन की कोई मूवी आ रही है, इसका नाम नियत है दोस्तों। ये क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, उसमें एक पार्टी होती है, उसमें गेस्ट जो आते हैं वो एक बार वन बाय वन मर जाते हैं, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, ये सब पूरी मूवी है। और ये अमेजन प्राइम पे आ रही है, तो मतलब थिएटर रिलीज नहीं है। उसके बाद में दोस्तों 14 जुलाई को मूवी आ रही है अजमेर 92, ये थिएटर रिलीज है दोस्तों। और वो मूवी पुष्पेंद्र सिंह ने डायरेक्ट की, वो मूवी रियल इंसिडेंस बेस्ड है। अजमेर में 92 में 1992 में जो एक इंसिडेंस हुआ था कि 250 से ज़्यादा गर्ल को फिर उसका रिकॉर्डिंग करके उसको ब्लैकमेल किया गया था और बहुत सारे सुसाइड हो रहे हैं, तो ये रियल ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। और ये भी मूवी मतलब क्रिटिक्स को बहुत अच्छी लगने वाली है। और बाद में 21 जुलाई को कोई मूवी नहीं आ रही है, बाद में डायरेक्ट 28 जुलाई को आ रही है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, रणवीर और आलिया, ये तो ब्लॉक बास्टर रहने वाली है दोस्तों। बात करते सिर्फ सिर्फ 2 थिएटर रिलीज है, और एक तो उसका बस भी नहीं है 14 जुलाई को जो आ रही है अजमेर 92। तो क्योंकि यार इतनी कम मूवी है, इतने सारा दिन पड़े हैं हमारे पास, तो क्यों अगस्त में सब पूरा खिचड़ा कर दिया मूवी का। 11 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, तो बात करते हैं अगस्त में कौन सी मूवी आ रही है, बाद में मैं बात करता हूँ। अगस्त में दोस्तों 5 मूवी आ रही है, जिसमें 3 अगस्त को बहुत ही ब्लॉकबास्टर मूवी आ रही है, JGM जनगण मन, विजय देवरकोंडा की मूवी है, इसमें सोल्जर की भूमिका अदा कर रहे हैं, ये मूवी सुपर डुपर हिट रहने वाली है। और ये इस मूवी के डर से ही हमारी जो तीनों मूवी है उसने रिलीज डिले किया है, पर यार 11 अगस्त की पकड़े, उनको ऐसा लगता है कि 15 अगस्त को हॉलीडे है तो ज़्यादा वो अर्न कर पाएंगे, पर ये गलत गलती कर दी है दोस्तों। अभी एनिमल भी आई रणबीर कपूर की,
और गदर 2 आई है सनी देओल की, और फिर तीसरी आई है ओ माई गॉड 2 अक्षय कुमार की। दोस्तों तीनों को 11 अगस्त पे रिलीज करके बहुत बड़ी मेकर्स ने गलती कर दी, क्योंकि अगस्त का लेट हाफ भी पड़ा है। जुलाई में सिर्फ 3 मूवी है, इसमें 2 ही थिएटर रिलीज है, बिग बजट की एक ही मूवी है रानी वाली। दोस्तों क्यों, शायद इसको प्रीपोन करना चाहिए था किसी मूवी को, और किसी मूवी को पोस्टपोन करना चाहिए था। मतलब पूरी डेट्स, ऐसा नहीं है कि डेट्स नहीं है, तो ये ईगो में आके या ओवर कॉन्फिडेंस में आके बहुत बड़ी गलती करती है। और मैं आपको बोलता हूँ गदर 2 ही सब देखने जाएंगे, क्योंकि यार गदर 2 में बहुत इमोशंस लगे, तो गदर 2 इसमें ब्लॉकबास्टर रहने वाले। दूसरा एनिमल 2 आएगी, ओ माय गॉड अगर अच्छी भी होती है फिर भी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस नहीं रहने वाली है। अक्षय कुमार की लगातार चौथी पांचवी छठी है फ्लॉप फिल्म रहने वाली है, फ्लॉप नहीं तो सिर्फ एटलीस्ट बॉक्स ऑफिस पे अर्न नहीं कर पाएगी। तो यार मेकर्स को कुछ समझना चाहिए, उसको प्रीपोन या पोस्टपोन करना चाहिए था, एक ही दिन पे 3 मूवी रिलीज कर दी। और ये जनगण मन मूवी है ना दोस्तों, ये इतनी लंबी चलने वाली है, तो इसका भी खामियाजा था ये तीनों मूवी को भुगतना पड़ेगा, पर ब्लॉकबस्टर गदर 2 ही रहने वाली है। और दोस्तों लास्ट में एंड में एक मूवी और आती है जिसका नाम है ड्रीम गर्ल 2, 25 अगस्त को ही आ रही है, आयुष्मान खुराना की मूवी। ड्रीम गर्ल 1 सबको अच्छी लगी थी, यह दूसरा पार्ट आ रहा है उसमें भी मजा आ जाएगा। उसमें अनन्या पांडे रोल कर रही है आयुष्मान खुराना के साथ, देखते हैं ये भी कैसी रहती है। तो ये थी अगस्त की मूवी दोस्तों, सभी थिएटर रिलीज ही है। करते सितंबर की मोस्ट 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 अवेटेड फिल्म जवान दोस्तों, शाहरुख खान की। बहुत बहुत तारीख बदली उसकी, लास्ट फाइनल डेट फिक्स हुए 7 सितंबर को आ रही है दोस्तों थिएटर में, बहुत ही ब्लॉकबस्टर रहने वाली है, सबको अच्छी लगेगी। फिर इसमें ये भी जवान है, तो जवान के बोले सोल्जर इंडिया होता है, सोल्जर आता है तो यार दिल में वो गुजबम्स आ जाते हैं, और इसका म्यूजिक तो यार गजब था। तो ये ब्लॉकबस्टर मूवी है सितंबर के बाद में। 15 सितंबर को 2 थिएटर रिलीज है, एक है राजकुमार राव की SRI, कुछ अलग ही नाम है, कुछ अलग ही पोस्टर है, पता नहीं अलाया है राजकुमार राव की ये मूवी है। और उसी दिन दूसरी थिएटर रिलीज है 15 सितंबर को, योद्धा, ये सिद्धार्थ मल्होत्रा उसमें लीड रोल कर रहे हैं। तो योद्धा मूवी दोस्तों 2021 में 2000 बन गई थी, और 2022 में दिसंबर या नवंबर में रिलीज होने वाली थी, पर कुछ पोस्ट प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स की वजह से 1 ईयर डिले हुआ है, और फाइनली ये 15 सितंबर में थिएटर में आ रही है। तो योद्धा भी सुपर डुपर हिट रहने वाली है, और देखते हैं मतलब सितंबर में जवान हिट रहेगी और योद्धा हिट रहेगी। तो ये था दोस्तों लेखा जोखा पूरे 4 महीने का, रिकैप कर लेते दोस्तों सभी मूवी का। जून में कौन सी आ रही है, 16 को आदि पुरुष, 16 को आई लव यू, 23 को टिकू वेट शेरू, और 23 को मैदान, 29 को लव स्टोरीज 2, और उसी दिन सत्य प्रेम की कथा जो कि थिएटर रिलीज है। बाद में बात करते हैं जुलाई में कौन सी मूवी आ रही है, 7 को नियत आ रही है विद्या बालन की, 14 को अजमेर 92 थिएटर रिलीज है, 28 को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ये भी थिएटर रिलीज है। और अभी अगस्त की बात करते हैं, 30 अगस्त को JGM जनगणमन, 11 अगस्त को 3 मूवी आ रही है गदर 2 एनिमल और ओ माई गॉड 2, और 25 अगस्त को ड्रीम गर्ल 2, और सितंबर को मोस्ट अवेटेड जवान 7 सितंबर को आ रही है, 15 को SRI आ रही है, और 15 को ही योद्धा आ रही है जो कि दोनों थिएटर रिलीज है। थैंक यू सो मच।